अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं ग्रेट न्यूज़। मैं हूं असद इम्तियाज। शामिल करते हैं हेडलाइंस। निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर मजीद मुशावरत का फैसला। शाहिद खाकान अब्बासी, हफीज शेख, असलम भुटानी और फवाद हुसैन फवाद उम्मीदवार। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने निगरान सेटअप की तश्कील पर मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराई में निगरान सेटअप की तश्कील पर इत्तेहादी जमातों का इजलास। इजलास में फजलुर्रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, अख्तर मैंगल, शाहज़ैन बुगटी, खालिद मकबूल सदीकी, असलम भुटानी और मोहसिन दावड समेत दीगर शरीक हुए। ऑनलाइन कर्ज ऐप के जरिए फ्रॉड करने वाले गैर मुल्की बाशिंदा लाहौर से गिरफ्तार। FIA ने ऑनलाइन कर्ज एप्लीकेशन के जरिए फ्रॉड करने वाले गैर मुल्की बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया। शुएब मेरा कर्जदार है, आज तक पैसे वापस नहीं किए, सकलैन का शिकवा। साबिक क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक ने स्पीड स्टार शुएब अख्तर से बराह रास्त शो में कर्जा वापस ना देने का शिकवा कर दिया। सकलैन मुश्ताक के मुताबिक, शुएब मेरा बचपन से साथी है, हम क्रिकेट खेलने से पहले से दोस्त हैं, हम एक दूसरे के घर आते जाते थे, दाल रोटी भी साथ खाए जाते थे। साबिक क्रिकेटर ने इसी दौरान हंसते हुए एक वाक्य का जिक्र करते हुए बताया, शुएब ने आज तक मेरे 250 रुपए वापस नहीं किए, ये मेरा कर्जदार है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का राहुल गांधी के लिए बड़ा रिलीफ, सजा मुअत्तली का हुक्म सुना दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन जमात कांग्रेस के रानुमा राहुल गांधी को बड़ा रिलीफ देते हुए हत्या-ए-इज्जत के मुकदमे में इनकी 2 साल की सजा मुअत्तल करने का हुक्म सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राहुल गांधी को सुनाई गई सजा के लिए ट्रायल जज की जानिब से फराम करदा जवाब हत्या-ए-इज्जत के मुकदमे में 2 साल की सजा सुनाने के लिए ना काफी है। शहरयार आफरीदी 2 रोज में दूसरी मरतबा रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरयार आफरीदी को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। PTI रहनुमा शहरयार आफरीदी को रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश किया गया, जहाँ से इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने शहरयार आफरीदी को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म जारी किया, लेकिन बाद में फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक ऑस्ट्रेलवी बॉलर मैक ग्रा की वर्ल्ड कप सेमीफाइनलिस्ट टीमें कौन सी? ऑस्ट्रेलिया के साबिक मायानाज फास्ट बॉलर ग्लेन मैक ग्रा ने ICC वर्ल्ड कप के लिए अपनी सेमीफाइनलिस्ट टीमों में पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया। ग्लेन मैक ग्रा ने कहा कि किसी को हैरान होना नहीं चाहिए कि मैंने ऑस्ट्रेलिया को टॉप 4 में रखा जबकि इंग्लैंड अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। साबिक ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर ने कहा, भारत की टीम अपनी कंडीशन में खेल रही है जबकि पाकिस्तानी टीम भी उम्दा क्रिकेट खेल रही है। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए www.great.tv।